बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने घरों में आबाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं बीफ नेहारी, जिसमें 2 कप मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर लूँगी। आप इसको थोड़ी देर गर्म कर लेंगे। ये 2 किलो मैंने गोश्त लिया है और इसमें 3-4 बड़ी हड्डी भी ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये वाली हड्डियां शामिल कर लेंगे। अब इसको इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। और 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अब थोड़ी देर इसको और भून लेंगे। एक मैंने नेशनल का नेहारी का पैकेट लिया, ये डब्बा लिया। अब ये शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें 6 गिलास पानी के शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 2 गिलास पानी के और शामिल कर लेंगे। अब इसको बॉयल आने देंगे। अब बॉयल आ चुका है, चूल्हा मैं आस्ता कर लूंगी। और इसके ऊपर ढक्कन रख के गलने के लिए छोड़ दूंगी। अब हम ढक्कन खोल कर देख लेते हैं। अब हमारा गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। अब इसके ऊपर से तरी हम सारी निकाल लेंगे। अब मैंने तरी सारी निकाल ली है। 1 कप मैंने आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको मैंने फेंट के ये मिक्सचर बना लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहेंगे। अब इसको हल्की आंच पे थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। अब मैंने इसको गाढ़ा कर लिया। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। अब हमारी बीफ नेहारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मजे की बनी है। आप भी जरूर ट्राई करना। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।